हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीहूस क्रिएटिविटी। आज आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ एक परी हुई पुरानी हेयर बैंड को मैंने कितना अच्छे से एक यूनिक लुक दिया है उसके बारे में। तो ये मेरा एक पुराना हेयर बैंड थी और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मोती लगा के इसको एक डिज़ाइनर हेयर बैंड बना दिया है। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वही मैं आगे वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए एक पुरानी हेयर बैंड, मेरे पास ये वाला पिंक कलर की थी। तो आप लोग कोई भी ले सकते हो, ब्लैक कलर का जो आता है वो भी ले सकते हो। तो मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, ठीक है, ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने फेविक्रिल का जो ग्लू है वो लिया है और मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू लिया है, तो मैं आप लोगों के लिए इसको सजेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक कटा हुआ व्हाइट कलर का मोती और यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का कटा हुआ मोती यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हेयर बैंड की नीचे वाले हिस्से से थोड़ी सी जगह छोड़ के, मतलब जो कानों के नीचे हमारा जो आता है उस जगह को छोड़ के फिर हमें मोती लगाना है। मैं यहाँ पर ग्लू लगा दूँगी, फेविक्रिल का जो ग्लू है मैं वो थोड़ी सी लगा दूंगी। लगाने के बाद एक व्हाइट वाला एक मोती लगा दिया, व्हाइट वाला एक मोती लगा दिया, फिर मैं और एक व्हाइट वाला मोती लगाऊंगी। दो व्हाइट वाला मोती लगा दिया है यहाँ पे। और आप लोग इसका छोटा साइज़ का जो मोती आता है वो भी ले सकते हो, तो मेरे पास यही थी तो मैंने ये लगा दिया। फिर और थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पे मैं जो गोल्डन कलर का मोती है वो उसका साइज़ थोड़ी सी छोटी है व्हाइट वाला के मोती की हिसाब से, तो आप लोग उस साइज़ की भी ले सकते हो, मतलब दोनों एक साइज़ के ले सकते हो या फिर दोनों अलग अलग साइज़ की मोती ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है अच्छे से। अब इसके बाद मैं फिर और एक गोल्डन कलर का जो कटा हुआ बीट है वो लगा दूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने फेविक्रिल ग्लू यूज़ किया है और लेकिन ये फेविक्रिल ग्लू ना सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है और मोती इधर उधर हो जाती है और हाथ में भी बहुत सारा ग्लू लग जाती है कभी कभार, ठीक है। इसीलिए ना ये देखिए मेरे हाथ पे लग गया, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हॉट ग्लू। मेरे पास हॉट ग्लू गन है तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग वही यूज़ कीजिए, फेविक्रिल यूज़ कीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पर हॉट ग्लू ज़्यादा कम्फर्टेबल लगती है क्योंकि ये सूख जाता है एकदम फास्ट फास्ट और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है और जैसे लगाओ वैसे चिपकते रहती है। तो यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसेस से यहाँ पे मोती लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एक के बाद एक मोती लगाऊँ, मतलब कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस वाइट कलर का मोती लगाना है और फिर यहाँ पे गोल्डन कलर का मोती लगाना है। ऐसे करके जो पूरा प्रोसेस है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। इस पूरी हेयर बैंड में मैं यही प्रोसेस यूज़ करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ।
तो दोस्तों देख लिया ना कितना आसानी से हमने परे परे हेयर वेन को खूबसूरत सा डिज़ाइनर लुक दिया है। तो प्लीज़ आप लोग बताइए आप लोगों को इसका डिज़ाइन कैसा लगा और इतना प्यारा सा ये हेयर वेन कैसा लगा। अगर मैं आप लोगों को पहन के दिखाती ना तो ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि वो पहनने के बाद ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर घर पर बच्चे हैं तो उसको दीजिए, आप लोग कोई भी दोस्त का बर्थडे है या फिर कुछ भी है उसको भी गिफ्ट कर सकते हो और ख़ुद पहन सकते हो, अपने लिए बना सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यार लग रही है, और इसको अगर खरीदने जाओ ना तो आपको बहुत सारा पैसा जाने वाली है। तो डिज़ाइनर एक हेयर बैंड का आप लोगों को तो पता है मार्केट प्राइस क्या है, तो आप लोग अगर खुद से बना सकते हैं तो क्यों नहीं। अगर आप लोगों को इसका डिज़ाइन थोड़ी सी भी और मेरा आइडिया थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पी हूस क्रिएटिविटी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास में जो रेड वाला सॉरी जो घंटी का बटन है ना उसको दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ना आप तक तो वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो देख सको। ठीक है, तो मैं फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।